हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पास मास्टर। सो ये हमारी क्विज ऐप सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज़ की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। इस सीरीज़ की जितनी भी प्रीवियस वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में स्प्लैश स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पर लॉजिक लगा के एक्शन परफॉर्म किया था, लाइक कैसे हम इमेज पर एनिमेशन लगा सकते हैं एंड कैसे किसी भी स्क्रीन पर टाइमर लगा बिना किसी बटन के क्लिक पे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं, एंड कैसे हम कस्टम टूल बार क्रिएट करते हैं और कस्टम टूल बार पे कैसे हम मेन्यूज लगाते हैं वो भी देखा था हमने। एंड साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि कैसे किसी बटन के क्लिक पे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं। सो ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम प्ले स्क्रीन पर लॉजिक लगाएंगे, लाइक कैसे हमारे टाइमर काम कर रहा है, कैसे स्कोर एंड टोटल ऑफ क्वेश्चंस को मैनेज करना है, एंड कैसे क्वेश्चन एंड ऑप्शन को सेट करना है, एंड कैसे नेक्स्ट बटन के क्लिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और कैसे अलर्ट बॉक्स बना सकते हैं, लाइक अगर हम करेक्ट ऑप्शन चूज करें तो करेक्ट डायलॉग ओपन होना चाहिए, अगर रॉन्ग चूज करें तो रॉन्ग डायलॉग ओपन हो, एंड अगर टाइम ओवर हो जाता है तो टाइम ओवर का डायलॉग ओपन हो। सो ये हमारी क्विज ऐप सीरीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये हमारी क्विज ऐप का मेन स्क्रीन है तो यूजर का इंटरेक्शन प्ले स्क्रीन पर ज्यादा होगा। सो इस स्क्रीन पे काफी लॉजिक है तो हम आगे देखेंगे। सो इस सीरीज के जितनी भी रिसोर्सेस फाइल्स हैं वो हमारी वेबसाइट टेक पास मास्टर पे मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से विजिट करके उसके डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कस अब हम काम करते हैं अपनी प्ले एक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कई व्यूज आ रहे हैं, लाइक स्कोर है, टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे शो करेगा, टाइमर चलेगा, क्वेश्चंस होंगे हमारे पास और हमारे पास ऑप्शंस होंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक बटन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, हम प्ले एक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं। प्ले एक्टिविटी में सबसे पहले हम काम करते हैं टाइमर के ऊपर, काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सारी एक्टिविटी को पहले यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, और हमें किस पे सिर्फ काम करना है, अभी हम काम करना है एक्टिविटी डॉट प्ले, यानी कि प्ले एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे काम करना है। तो प्ले एक्टिविटी के हम जावा फाइल में आ चुके हैं। अब जावा में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट दे दे रहा हूँ यहाँ पे काउंट डाउन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट काउंट डाउन टाइमर को क्रिएट करेंगे, एंड उसके बाद हमें प्राइवेट स्टैटिक लॉन्ग, अब यहाँ पे हम एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं काउंट डाउन टाइमर मिली सेकेंड, तो इसके हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं कितने सेकंड का होना चाहिए, 30 सेकंड का। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइवेट स्टैटिक लॉन्ग यहाँ पे करेंगे काउंटर इंटरवल। सो यहाँ पे काउंटर इंटरवल हमारा जो होगा वो होगा 1000, यानी कि एक सेकंड का इंटरवल होगा, एंड उसके बाद हमारा जो होगा प्राइवेट लॉन्ग टाइम लेफ्ट मिली सेकेंड। सो ये चीज हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करते हैं स्टार्ट काउंट डाउन टाइमर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके ऊपर ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे क्रिएट मेथड। तो यहाँ पर काउंट डाउन टाइमर का एक मेथड क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये काउंट डाउन टाइमर है इसको यहाँ पे लेते हैं, काउंट डाउन टाइमर इज इक्वल टू न्यू काउंट डाउन टाइमर। सो यहाँ पे हमारा काउंटडाउन टाइमर आ चुका है, तो इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास है काउंटडाउन टाइमर मिली सेकेंड और काउंटडाउन टाइमर इंटरवल। तो अभी हम क्या करेंगे, काउंटडाउन जो टाइमर है हमारे पास यहाँ पे हम इसको फाइनल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम लेफ्ट मिली सेकेंड इज इक्वल टू काउंटडाउन टाइमर मिली सेकेंड। सो इसको हमने किसमें पास कर दिया, टाइम लेफ्ट मिली सेकेंड के अंदर। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पास करेंगे सबसे पहले टाइम लेफ्ट मिली सेकेंड कॉमा काउंट डाउन इंटरवल। सो यहाँ पे ये हमने पास कर दिया, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, ऑन टिक ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टाइम लेफ्ट मिली सेकेंड है उसको हम यहाँ पे मिली सेकेंड यूनिट फिनिश्ड को इसके अंदर हम पास कर देंगे, यहाँ पे एरर दिखा रहे हैं, हमें कॉमा लगा देंगे। उसके बाद ये चीज आपको नहीं बोलना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पे डॉट को यहाँ पे स्टार्ट लगाना है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्टार्ट अगर लगाना भूल जाते हो तो आपका जो काउंटडाउन टाइमर है वो स्टार्ट नहीं होगा। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने काउंटडाउन टाइमर तो बना लिया है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो काउंटडाउन टाइमर है वो हमारा स्टार्ट होना चाहिए टाइम के अंदर, जो टाइम नाम का हमारे पास अभी टेक्स्ट व्यू है इस व्यू के अंदर पास करना है।
तो सबसे पहले इसकी हम आईडी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी जावा फाइल के अंदर, और यहाँ पे सभी व्यू के लिए एक मेथड बना लेते हैं जो कि सारा कुछ उसमें हम जितने भी हमारी फाइंड व्यू आईडी से रिलेटेड व्यूज होंगे उसको हम उसके अंदर रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिट व्यूज बना लेते हैं। इनिट व्यूज नाम का एक मेथड बना लिया हमने, इस पे ऑल के साथ एंटर कीजिए और इसमें आप क्रिएट कर लीजिए। तो फाइंड व्यू से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे व्यूज होंगे वो यहाँ पे हम रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइमर जो हमारा था टैग व्यू उसका क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे प्राइवेट टैक्स व्यू और क्विज टाइमर। उसके बाद हम इसको किसको इनिशियलाइज करेंगे, इस मेथड के अंदर हम करेंगे क्विज टाइमर इज इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आईडी डॉट क्या था हमारा, क्विज टाइमर। सो ये हमारा यहाँ पे आ गया। क्विज टाइमर को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये जो क्विज टाइमर है हमारे पास सेट टेक्स्ट, डायरेक्ट हम इस टाइम लेफ्ट को इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाएंगे। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा सेकेंड। सो यहाँ पे हम सेकेंड बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंट सेकेंड इज इक्वल टू टाइम यूनिट डॉट मिली सेकेंड डॉट 2 सेकेंड। और इसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे, सो यहाँ पे टाइम लेफ्ट मिली सेकेंड को इसके अंदर हम पास कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ एरर थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है कि कास्ट करने के लिए इंट के अंदर, तो इसको हम कास्ट कर देंगे इंट। नाउ एरर चला गया यहाँ पे। अभी हम स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइमर इजकल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, लोकल डॉट गेट डिफॉल्ट कॉमा स्ट्रिंग पास करना है। तो स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, टाइम इजकल टू परसेंटेज 202D कॉमा, अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सेकेंड, यानी ये भी जो सेकंड है हमारा वो इसके अंदर हम पास कर देंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा परसेंट 02D क्या है। सो परसेंट 02D यहाँ पे क्या काम करता है हमारे पास, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। परसेंट 02D यहाँ पे हमारा क्या है, ये काम करता है फॉर्मेट फॉर्मेट दी इंटीजर विथ 2 डिजिट, फॉर्मेट दी इंटीजर विथ 2 डिजिट। सो अभी हम क्या करेंगे, इस टाइमर को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। सो अभी हम चेक करते हैं कि काउंटडाउन टाइमर हमारा स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन हमारा रन हो चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पे हम प्ले क्विज पे क्लिक करेंगे। सो टाइमर यहाँ पे 02 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3000 दिया था, 3000 की जगह पे आपको 30000 करना है। 3000 से आपका 3 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, 30000 से आपका 30 सेकंड से स्टार्ट होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। नो एप्लीकेशन रन हो गया, इसको हम ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो है वो 30 से स्टार्ट हो गया, 30 29, यहाँ पे हमारा जो टाइमर है हमारा काउंटडाउन टाइमर वो वर्क कर रहा है सही तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सेट कराते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको सेट कराते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन हमारी ओपन हो वहां पे सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्ले एक्टिविटी के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम एरे क्रिएट करेंगे। क्रिएट, यहाँ पे मैं कमेंट दे दे रहा हूं इसमें, क्रिएट स्ट्रिंग एरे फॉर क्वेश्चंस आंसर एंड ऑप्शंस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग क्वेश्चन क्वेश्चंस एरे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज का। यहाँ पे आपको स्क्वल टू लगा देना है, इसके बाद क्लोज टैग। सेकेंड हम बनाएंगे आंसर्स के लिए, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड थर्ड हम बनाएंगे अपना ऑप्शंस के लिए। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आंसर और ऑप्शन बना रखे हैं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, डायरेक्ट मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्वेश्चंस को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है आंसर को कॉपी करेंगे। ये यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो,
जो भी आपके क्विज, जिस टाइप के आपको क्विज बनानी है उस टाइप के क्वेश्चंस ऐड करने हैं आपको, आंसर्स ऐड करने हैं, एंड ऑप्शंस जो होंगे जो आपको यूजर को दिखाने हैं ऑप्शंस हर क्वेश्चन की, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये फाइल आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, टैग पास मास्टर के ऊपर। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके देख सकते हो। सो अभी हम क्या करेंगे, आंसर को रखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पे ऑप्शंस रख दिए। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पे हमारे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सेट कराना है, एंड हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, उसमें हमें ऑप्शंस में हमें किसको सेट कराना है, इस वाले ऑप्शन को सेट कराना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको उसको आईडी फाइंड आउट कर लीजिए सबकी। इसमें हम देखेंगे टीवी क्वेश्चंस है, और यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन फर्स्ट, रेडियो बटन सेकेंड, रेडियो बटन थर्ड एंड रेडियो बटन फोर। रेडियो बटन किस में रखा हुआ है, रेडियो ग्रुप के अंदर, रेडियो ग्रुप के अंदर हमारे पास ये सारे रेडियो बटन रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को सेट कराने के लिए हमें क्वेश्चन की आईडी को फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जितनी भी ऑप्शन है उसकी आईडी फाइंड आउट करना है, और हमारे पास रेडियो ग्रुप जो है उसकी आईडी को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे हमारे जो इनिट नाम का मेथड था इसके अंदर जाएंगे, ये हमारे पास है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप लेवल वेरिएबल्स बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैक्स व्यू ऑलरेडी है क्योंकि हमारी ये जो विजिट है टैक्स व्यू है, तो यहाँ पे हम इसी के अंदर हम क्या करेंगे, टीवी क्वेश्चंस क्वेश्चन, एंड उसके बाद हमारे पास होगा प्राइवेट रेडियो ग्रुप, जिसमें रेडियो ग्रुप हो गया हमारा। उसके बाद हम बनाएंगे प्राइवेट रेडियो बटन्स, रेडियो बटन्स हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस के लिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे रेडियो बटन यानी कि RB1 कॉमा RB2 कॉमा RB3 यानी कि रेडियो बटन थर्ड, यहाँ पे रेडियो बटन फोर्थ, सॉरी RB4। सो यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू है वो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और रेडियो बटन क्रिएट कर लिए हैं। अब उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज किसमें करेंगे, इनिट ब्लॉक जो हमने बना रखा था। तो हमें मैंने बताया था कि इनिट ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी फाइंड व्यू आईडी यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके जो रेफरेंस पास करने हैं वो हम इनिट ब्लॉक के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप का हमने क्या दे रखा था, रेडियो बटन का हमने यहाँ पे रेफरेंस दे रखा था रेडियो ग्रुप, और रेडियो बटन का RB1 RB2 RB3 RB4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियो बटन ग्रुप लेंगे, रेडियो बटन ग्रुप इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.RadioGroup। सो ये जो रेडियो ग्रुप हमने फाइंड आउट किया है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ बी दबाते हैं तो आप देखोगे कंट्रोल बी, ये हमारा ये ग्रुप जो था रेडियो ग्रुप यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने इसकी आईडी को यहाँ पे पास किया है। तो सेम इज इट इज हमें क्या करना है, रेडियो बटन है उनको भी करना है। तो RB1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.RadioButton1। उसके बाद सेम इज इट इज आपको क्या करना है, RB2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.RadioButton2। सेम इज इट इज हमें क्या करना है RB3 के लिए भी और RB4 के लिए भी। सो यहाँ पे हमने आईडी को फाइंड आउट कर लिया सारे बटन्स के लिए। अभी हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो क्वेश्चन को सेट कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन उसको हम सेट करेंगे, क्वेश्चन टाइमर डॉट सेट एक्स, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो स्ट्रिंग हमने बना रखा था स्ट्रिंग नाम कह रही क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर इसका यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पास करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे अरे इंडेक्स नंबर 0। सो यहाँ पे 0 देने से अच्छा ये है कि आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना चाहिए इंट नाम का, इंट क्वेश्चन इंडेक्स, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम 0 रख देते हैं। सो ये हमारा अभी आगे चल के भी काम आएगा। सो इसका यूज अभी हम आगे भी देखेंगे इसमें कैसे यूज करेंगे इसका। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 0, तो इसको हमें किसमें पास करना था, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 0 की जगह पे क्या पास कर देंगे, क्वेश्चन इंडेक्स। तो क्वेश्चन इंडेक्स हमारा 0 है, तो 0 पे हमारा कौन सा है,
क्वेश्चन डायरेक्ट जीरो पे हमारा, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन अ प्रोसेसर देन इट इज नॉइज। सो ये हमारा एक जीरो इंडेक्स नंबर पे क्वेश्चन है हमारा। अब हमारे पास ऑप्शंस, चार ऑप्शंस हैं, तो चार ऑप्शंस को हमें सेट कराना है। तो हम अभी ऑप्शंस वाले एरे के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास चार ऑप्शंस हमारे ये हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेट कराते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इंट वाले मेथड के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, RB1 डॉट सेट टेक्स सेम एज इट इज। इसमें भी क्या करना है, इसमें हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एरे का इंडेक्स देना है। तो एरे का इंडेक्स हमें दे देते हैं जीरो। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इसमें कंट्रोल के साथ यहाँ पे माउस कर्सर रखना है आपका और कंट्रोल सर डी दबाएंगे 3 टाइम, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो हमारे पास 4 यहाँ पे कॉपी होके आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो रेफरेंस है इसको हम टू कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। सेम एज इट इज 0 और यहाँ पे कर देंगे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑप्शन हमने इसको सेट करा लिया है। आप इसको हम रन करके चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन सिलेक्ट हमारे जो है वो सेट हो चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रन करेंगे, रन करने के बाद इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा रन हो चुका है, इसमें हम क्लिक करेंगे और ये हमारी जो क्लास एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। प्ले की उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन जो है हमारे वो ऐड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऐड नहीं हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या गलती की है। तो यहाँ पे इशू क्या हो गया था कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्यूज टाइमर के अंदर सेट करा दिया है, तो जो कि हमें सेट कराना है टीवी क्वेश्चन के अंदर। अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे प्ले क्विज पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे एप्लीकेशन जो हमारी है क्रैश हो गई है। सो क्रैश इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वैल्यू तो यहाँ पे सेट करा दी इसके अंदर, बट हमने क्या किया कि इसको बिना इसकी आईडी का इनिशियलाइज किए हुए इसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दिया। जैसे कि हमने क्विज टाइमर के अंदर क्विज फाइंड बाई फाइंड व्यू आईडी हमने क्विज टाइमर लिया है, बट हमने यहाँ पे इसकी आईडी फाइंड आउट नहीं की थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से हमने टीवी क्वेश्चन करना है इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट टीवी क्वेश्चन। सो अभी हम यहाँ पे ठीक हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसको हम करेंगे रन। तो रन हो चुका है हमारा, इसको हम करेंगे ओपन एप्लीकेशन को, यहाँ प्ले क्विज पे क्लिक करेंगे। सो अभी आप देखोगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है, यहाँ पे ऑप्शंस भी सेट हो चुके हैं और यहाँ पे क्वेश्चन भी सेट हो गया है। एंड उसके बाद हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे टाइमर भी हमारे पास ठीक हो चुका है। सो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी ऑप्शंस में से हमने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है वो एक्शन करेक्ट है या रॉन्ग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक इवेंट लगाएंगे। तो इसमें हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन, जो नेक्स्ट बटन है इसके ऊपर हम क्लिक इवेंट लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्ले एक्टिविटी पे जाते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट नाम का बटन बनाते हैं और इसको हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन बीटीएन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इसकी आईडी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इनिट ब्लॉक बना रखा था और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन यहाँ हमारा क्या था, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बीटीएन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेक्स्ट बटन, आईडी को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनिट ब्लॉक के अंदर यहाँ ऑन क्रिएट के अंदर आते हैं और ऑन क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लिक इवेंट लगाएंगे बटन के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बीटीएन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया। अब इस बटन पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक सबसे पहले हमें यहाँ पे इस बटन के ऊपर चेक करना है, चेक ऑप्शंस सेलेक्टेड और नॉट। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट है कि नहीं। उसके बाद हम सेकेंड थिंग चेक करेंगे, इफ इफ सेलेक्टेड देन चेक सेलेक्टेड सेलेक्टेड ऑप्शन करेक्ट और रॉन्ग। इस बटन पे हम लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे जो बटन है सेलेक्टेड है या नहीं। अगर सेलेक्टेड है तो वो जो ऑप्शन हमने इसमें से सेलेक्ट किया हुआ है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियो ग्रुप है, रेडियो ग्रुप डॉट गेट चेक रेडियो बटन आई डी अगर इज इक्वल टू -1 होता है। -1 इसलिए हमने यूज किया कि अगर इस चारों ग्रुप में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैसेज शो होना चाहिए, मैसेज शो होना चाहिए कि प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है बटन और हमने नेक्स्ट बटन क्लिक कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये टोस्ट एक मैसेज शो होगा प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन। और एल्स वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, एल्स का कंडीशन बनाते हैं और एस के कंडीशन में हम चेक करेंगे कि अगर हमने सिलेक्ट किया हुआ है कोई भी ऑप्शन तो वो रॉन्ग है या राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं सो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे, एक्टिविटी के अंदर बनाएंगे इसमें। और इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाते हैं जो कि ये चेक करेगा कि कौन जो हमारा ऑप्शन सिलेक्टेड है वो रॉन्ग है या राइट। तो उसके लिए हम करेंगे चेक आंसर, चेक आंसर नाम का एक बनाते हैं मेथड और ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन एक लगाते हैं, इफ रेडियो बटन सॉरी रेडियो ग्रुप डॉट चेक रेडियो बटन इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन होता है तो हम यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मैसेज शो करा देंगे टाइम ओवर। एल्स में जाएंगे, एल्स वाले कंडीशन में हम लेते हैं यहाँ पे एक रेडियो बटन, चेक रेडियो बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई रेडियो ग्रुप डॉट गेट बीटीएन आईडी। सो ये चीज हम लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग चेक आंसर इज इक्वल टू चेक रेडियो बटन डॉट गेट एक्स टू स्ट्रिंग। अब इसके थ्रू हमें क्या होगा कि इस रेडियो ग्रुप में से जो भी सिलेक्टेड ऑप्शन होगा उसकी आईडी हमें मिल जाएगी और उस आईडी को हम किसमें डाल दिया हमने, स्ट्रिंग के अंदर। और इस स्ट्रिंग पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ चेक आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन क्वेश्चन इंडेक्स, अगर इसके इज इक्वल टू होता है तो क्या सो होना चाहिए, टोस्ट ये सो होना चाहिए कि आंसर इज करेक्ट, करेक्ट आंसर, और उसके बाद अदरवाइज अदरवाइज यहां पे टोस्ट सो होना चाहिए रॉन्ग आंसर। अब यहां पे हम इसको टेस्ट करके देखते हैं एप्लीकेशन को, यहां पे हम इसको रन करेंगे, एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक इस पे क्लिक करते हैं। अब इसमें से हम चेक करते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मल्टीप्रोसेसर, इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो ये बता दिया हमारा रॉन्ग आंसर। इस पे क्लिक करते हैं रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर। ओ सो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे हमने दिया हुआ है तो यहाँ पे आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है, जीरो इंडेक्स क्वेश्चन इक्वल टू। सो यहाँ पे हमने जो मिस्टेक किया हुआ था वो ये था कि हमने यहाँ पे ऑप्शंस रख दिया है, तो ऑप्शंस में नहीं ये चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा ये आंसर्स में। तो अब हम चेक करते हैं इसको, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है मल्टी प्रोसेसर, तो इसको हम चेक करते हैं कि अब की बार ये सही दिखा रहा है या नहीं। सो यहाँ पे रन हो गया एप्लीकेशन, लेक विज पे क्लिक करेंगे और अभी हम चेक करते हैं, फर्स्ट पे क्लिक करते हैं रॉन्ग आंसर, थर्ड पे क्लिक करते हैं रॉन्ग आंसर, फोर्थ पे क्लिक करते हैं रॉन्ग आंसर, जो हमारा राइट कौन सा था, सेकंड का, तो इसमें क्लिक करेंगे करेक्ट आंसर। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि इस पे जो भी हमारी आईडी जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे उसमें से एक ऑप्शन जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा अगर वो सिलेक्टेड है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर शो करेगा, अदरवाइज वो रॉन्ग आंसर शो करेगा। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शंस है वो भी चेंज हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे जो हमने मेथड बना रखा था बटन के इवेंट पे क्लिक के बाद, बटन क्लिक इवेंट पे हमने एक मेथड बना रखा था सो नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस पे हमने एक मेथड बनाया था चेक आंसर्स का, तो आंसर की हमने यहाँ पे चेक कर लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन बनाते हैं कि इफ क्वेश्चन इंडेक्स लेस देन क्वेश्चन डॉट लेंथ,
और यहाँ पे ओपन एक क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं। सो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है कि क्वेश्चन इंडेक्स जो है लेस देन होता है क्वेश्चन डॉट लेंथ के, यानी कि जो भी हमारे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे अगर इसके लेंथ के कम होता है तो तभी तक ये कंडीशन चलेगा हमारा, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा कंडीशन हमारा। तो अभी क्वेश्चन इंडेक्स के पास हमारे कितने हैं, क्वेश्चन इंडेक्स है 1। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो टीवी क्वेश्चन था इसमें हम सेट एक्स करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इसमें पास कर देंगे क्वेश्चन इंडेक्स सेम इज इट इज। हमें क्या करना है, सो यहाँ पे आपको जाना है जो हमने पहले बना रखा था, चाहे तो आप यहां से कॉपी कर लो इसको पूरा, और इसको यहाँ पे लाके जो हमारे पास इफ कंडीशन है यहां से इसको हटा दो, पेस्ट कर दो। सो हमारे पास ये क्वेश्चन इंडेक्स सेम इज इट इज ऐसे ही रहेगा। RB1, RB2, RB3, RB4 में हम कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस किस टाइम के होंगे, यहाँ पे हम देंगे स्पेस इनटू 4, यहाँ पे हमें 0 को हटा के क्या करना है, क्वेश्चन इंडेक्स 4, और इसी तरह हमें क्या करना है RB2 के अंदर क्वेश्चन इंडेक्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे क्वेश्चन इंडेक्स टू 4+2, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन इंडेक्स 4+3। सो यहां पे हमने एक लॉजिक लगाया हुआ है कि क्वेश्चन इंडेक्स जो भी होगा हमारा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन इंडेक्स कितना है 1, तो यहां पे हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा 4 × 1, तो हमारा आंसर जो आएगा अगर हम ऐसे देखें तो क्वेश्चन इंडेक्स में हमारे पास कितना है 1, 1 × 1 × 4 इज इक्वल टू 4। सेम इज इट इज अगर हम इसमें देखें, क्वेश्चन इंडेक्स में है 1 और 1 इज इक्वल टू 4, सॉरी 1 × 4 इज इक्वल टू 4+1, तो 4 × 1 हो जाएगा 4+1, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐड हो जाएगा यहाँ पे 5। सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास 1 × 4+2, यहाँ पे जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 × 4+3 = 7। यहाँ पे आप देखोगे 4 इंडेक्स या 5, 6, 7 इंडेक्स में हमारे पास कौन सा है, अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑप्शंस, ऑप्शन वाले एरे के अंदर अगर हम 4 इंडेक्स पे देखते हैं तो हमारे पास जो है 0, 1, 2, 3, और 0 से स्टार्टिंग होता है जो हमारे एरे होगा वो वहां पे 0 से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ देखेंगे 0, 1, 2, 3, और फोर्थ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा 4, 6, 7, 8 ये हमारा हो जाएगा, और यही हमारे पास जो इफ की कंडीशन चलती रहेगी जब तक हमारा ये इंडेक्स इसके ग्रेटर नहीं होता है। जैसे ही ये हमारा इंडक्शन जो होगा हमारा इसके बराबर हो जाता है या इसके ग्रेटर देन हो जाता है तो हमारे पास ये जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन का लेंथ है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी जितने भी क्वेश्चन आपने दिए रखे होंगे। सो सेम इज इट इज क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट होगा वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन की जो इंडेक्सिंग है क्वेश्चन इंडेक्स उसको प्लस प्लस कर देंगे। तो अब ये कंडीशन जब हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा जाएगा फिर यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे पहले 1 था अब ये हो जाएगा 2। सेम एज इट इज यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 2 × 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2, तो यहाँ पे अगर हम 4 × 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 8, और इसी तरह यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो अगर आप चेक करोगे इंडेक्स नंबर 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे जाएंगे हम ऑप्शन पे, ऑप्शन से आप चेक करोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 8, 9, 10, 11, ये थर्ड हो गया। तो ये हमारा कंडीशन ऐसे ही चलता रहेगा और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट बटन के दबाने के बाद आता रहेगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा जो भी हमने लॉजिक लगाया है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो इसको एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। तो एप्लीकेशन रन हो चुका है, इस पे हम ओपन करेंगे। प्ले क्विज पे क्लिक करेंगे
और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, 20 प्रोसेसर सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन चेंज हो गया, बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमने अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं और अगर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दबाया यहाँ पे, तो आप देखो कि जो हमने प्रीवियस ऑप्शन में जो हमने सेलेक्ट कर रखा था वो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही सेलेक्ट हो जा रहा है बटन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे रेडियो ग्रुप है उसको हमें क्या करना है, क्लियर कर देना है, क्लियर चेक। फिर इसको हम रन करते हैं, चेक करते हैं कि वो हमारे पास सॉल्व हो गया कि नहीं इशू जो था। तो ये एप्लीकेशन हमारा रन हो गया, तो इसमें हम ओपन करते हैं, प्ले फीस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है। टेन नंबर कंप्लीट हो गया। सो ये हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन इंडेक्स है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और हमारे पास जो हमारे पास ये चेक आंसर करके मेथड था, इस इंडेक्सिंग को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं इसको। सो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो हमारा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, अगर हम इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी अपडेट हो रहा है, ऑप्शंस भी अपडेट हो रहे हैं, बट हमारे पास अभी जो है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा है। सो उसको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं और यहाँ पे जो स्कोर है स्कोर को भी अपडेट करते हैं, जो भी करेक्ट आंसर है हमारा उसको यहाँ पे स्कोर के अंदर सेट कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कोर की आईडी फाइंड आउट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की आईडी फाइंड आउट करके उसके बाद हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कोर पे क्लिक करेंगे। तो स्कोर पे यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है थर्ड, इस पे आप राइट बटन क्लिक कर लो, सेलेक्ट करके राइट बटन, रिफैक्टर पे जाके रीनेम। रिफैक्टर और रीनेम करने से ये होगा कि जहां जहां पे ये टेक्स्ट आईडी दी गई होगी वो सारा रिनेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ले स्कोर। सो यहाँ पे एक आइडेंटिटी के लिए TXT प्ले स्कोर कर दीजिए, रिफैक्टर हो गया। और यहाँ पे हम आएंगे और इसको TV नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हमारे पास है, सो यहाँ पे हमारे पास TV प्ले क्वेश्चन है, टेक्स्ट प्ले स्कोर एंड हमारे पास यहाँ पे TV नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इनकी आईडी हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्कोर हमारा किस टाइप का विजिट है, ये हमारा है टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट व्यू टाइप का है तो ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, इसमें हम ऐड कर देंगे बस TXT प्ले स्कोर। एंड उसके बाद हमारा कौन सा था, ये भी हमारा टेक्स्ट व्यू व्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसको यहाँ पे हम कॉमा ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब इन दोनों की आईडी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इनिशियलाइजेशन व्यूज बना रखा है मेथड यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे TXT प्ले स्कोर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट TXT प्ले स्कोर। और उसके बाद सेकंड जो हमारा था वो था हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये कहेंगे TV नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आई डॉट आईडी डॉट TV नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो ये हमने यहाँ पे आईडी भी फाइंड आउट कर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्कोर सेट कराते हैं, तो स्कोर कहाँ पे सेट कराएंगे हम, यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक कंडीशन हमने बना रखा था, किसके अंदर बना रखा है, चेक आंसर। चेक आंसर में अगर हमारे पास ये आंसर सही होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट नाम का एक वेरिएबल होगा, उसमें क्या होगा कि वो चीज इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम बनाएंगे प्राइवेट करेक्ट इज इक्वल टू जीरो, प्राइवेट यहाँ पे इंट रखेंगे इज इक्वल टू जीरो कॉमा रॉन्ग जीरो कॉमा स्कोर इज इक्वल टू जीरो। ये तीन वेरिएबल हमने बना लिया यहाँ पे, करेक्ट रॉन्ग और स्कोर नाम का।
सो अभी हम क्या करेंगे, इसको फाइनल कर देते हैं यहाँ पे, इंट प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। सो प्राइवेट स्टैटिक इसको फाइनल कर देते हैं, और जो करेक्ट नाम का वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, जब हमारे पास अगर आंसर सेलेक्ट हो जाता है तो इसको वहां पे करेक्ट आंसर और प्लस प्लस कर देंगे। सो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, तो क्या एरर दे रहा है, मैक फाइनल नॉट फाइनल, तो इसको नॉट फाइनल कर देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करेक्ट हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है करेक्ट वैल्यू के अंदर, उसको हम स्कोर के अंदर पास कर देंगे। तो स्कोर हमारा क्या था, txt play score dot set x, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, करेक्ट करेक्ट को पास कर देंगे। तो ये चीज हमने स्कोर के अंदर, जो भी हमारे करेक्ट आंसर होगा जितने भी, वो हमारे स्कोर में ऐड हो जाएंगे। सेम इज इट इज, अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट इंट बना लेते हैं, अपडेट क्वेश्चन, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम देते थे 1, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे फाइनल। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास एक मेथड था सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाम का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीवी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डॉट सेट एक्स डेट क्वेश्चन नंबर नंबर प्लस 1, और यहाँ पे हम देंगे प्लस स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे 10। तो हमने यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट का यहाँ पे सेट करा दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट क्वेश्चन जो है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। सो ये क्या कह रहा है, मेक वन नोट फाइनल, सो हटा दिया हमने फाइनल। अब हम चेक करते हैं स्कोर, और जो हमने स्कोर सेट कराया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेट कराए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं रन करके। एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे रन हो गया, ये हम चेक करते हैं। प्ले क्विज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने मल्टी प्रोसेसर पे क्लिक किया, नेक्स्ट, ये हो गया क्रैश। सो एप्लीकेशन यहाँ पे हमारी क्रैश हो चुकी है, तो लेट मी चेक, जो क्रैश है हमारा वो हमारा अभी हमने जो सेट किया है उसी में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम इसी कंडीशन में डाल देते हैं, इफ अपडेट क्वेश्चन लेस देन अगर 10 होता है तो हमारा ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और जो सेकेंड हमने अभी वर्क किया था वो किया था, और जो हमारे स्कोर हमने सेट कराया था, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और स्ट्रिंग में हम पास कर देते हैं स्कोर। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस लगा के इसको ऐड करते हैं। नाउ अब यहाँ पे सजेशन दे रहा कुछ, इसको हम ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको रन करके चेक करते हैं कि अभी सही हुआ कि नहीं। सो एप्लीकेशन रन हो गया, इस पे ओपन करते हैं, प्ले पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद मल्टी प्रोसेसर नेक्स्ट। सो अभी चेक करोगे आप, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो स्कोर है वो ऐड हो चुका है इसके अंदर, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी अपडेट हो चुका है। सो अभी हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है सही तरीके से। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 4 5 6 7। अभी आपने एक चीज नोटिस किया कि ये जो हमारा टाइमर है वो टाइमर हमारा डायरेक्ट चल रहा है। अगर मैं बैक आकर अगर दिखाऊंगा आपको फिर से, ये दिखाओगे अभी, आप चेक करो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि जो टाइमर काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट है, और जैसे हमने इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया नेक्स्ट किया, बट काउंटडाउन टाइमर ही हमारा वहीं से स्टार्टिंग, यानी कि यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हो रहा है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट होने के बाद ये जो टाइमर है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो काउंटडाउन टाइमर हमारा जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो काउंटडाउन टाइमर है, जो हमारे पास चेक आंसर मेथड है, इस मेथड के अंदर हमने जो कंडीशन लगा रखा है, अगर आंसर करेक्ट होता है तब भी काउंटडाउन टाइमर कैंसिल होना चाहिए, और आंसर सेलेक्ट नहीं होता है, रॉन्ग होता है, तब भी हमारा जो है जो टाइमर है हमारा वो कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटडाउन टाइमर जो हमारा काउंटडाउन टाइमर हमने रेफरेंस ये बना रखा है यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर, इसको हम क्या करेंगे, कहाँ पे क्या, ये काउंटडाउन टाइमर है हमारा, इसको हम कर देंगे कैंसिल।
सेम एज इट इज, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके एल्स वाले ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देते हैं। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या काउंटडाउन टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया क्या। प्ले मल्टीप्रोसेसर नेक्स्ट। सो अभी आप चेक करोगे यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर जो है वो कैंसिल हो गया है और स्टार्टिंग जो है वो वहीं रुक गई उसकी। तो काउंटडाउन टाइमर जो हमारा रुक गया है तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या इशू हो सकता है। सो इस इशू को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक डायलॉग क्रिएट कर लेते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अगर ऑप्शन हमारा जो सिलेक्टेड ऑप्शन है अगर वो करेक्ट है तो वहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग शो होना चाहिए जो कि यहाँ पे करेक्ट डायलॉग होगा। सो अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग डायलॉग शो होगा। अगर यहाँ पे हमने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है तो हमारे पास एक टाइम ओवर का डायलॉग आ जाएगा। सो डायलॉग को क्रिएट करने के लिए इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिससे कि थोड़ी टाइम की सेविंग हो जाए। तो जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं लाइक करेक्ट डायलॉग और टाइम ओवर ये रॉन्ग इमेज, इसको हम तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया हमने। इसमें राइट बटन क्लिक करेंगे, अब यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे हमारे ड्रॉएबल नाम के फोल्डर में। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें अंदर पेस्ट कर। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे करेक्ट इमेज और यहाँ पे रॉन्ग इमेज और यहाँ पे टाइम ओवर का इमेज, यहाँ पे तीनों ला दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए हम कस्टम डायलॉग का एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो उस एग्जाम्पल को लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसोर्स पे आना है और रिसोर्स पे आने के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है करेक्ट डायलॉग और इसमें रॉन्ग, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपको क्या करना है, एग्जाम्पल पे आ जाना है और इस पर राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिफैक्टर कर देंगे। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो डायलॉग है सिंपल से इसको एग्जाम्पल में आपको बना लेना है क्या क्या है। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसके अंदर ये यहाँ पे कलर है बैकग्राउंड कलर, मतलब तो मैं यहाँ पे हटा के दिखाऊंगा आपको, ये पीछे से कलर हट गया। एंड उसके बाद अंदर एक इमेज व्यू है और एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। सेम इज इट इज अगर आप रॉन्ग वाले पे जाओगे रॉन्ग डायलॉग में, इसके अंदर भी आपको पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और हमारे पास इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू और एक बटन है। टाइम ओवर में जाएंगे, टाइम ओवर में भी आपको क्या होगा, कस्टमर लेआउट है, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू एंड बटन। सो बहुत इजी है, इस एग्जाम्पल को आप डिजाइन भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वेबसाइट पे जाके इसको ये रिसोर्सेस सब ले सकते हो। सो अभी हम क्या करेंगे, कस्टम डायलॉग जो है वो हम क्रिएट करेंगे अपने प्ले एक्टिविटी में। तो सबसे नीचे आते हैं हम, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं प्राइवेट वॉइड करेक्ट अलर्ट डायलॉग। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर बिल्डर एंड इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर। अब यहाँ पे हम कंटेक्स्ट पास करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा प्ले एक्टिविटी डॉट दिस, क्लोज करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कस्टम व्यू बनाएंगे, तो कस्टम व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फिलेटर। अब इस व्यू में हम क्या करेंगे, अपने जो लेआउट है अभी हम क्या किस पे वर्क कर रहे हैं, करेक्ट करेक्ट अलग डायलॉग पे, तो हम इसको इन्फ्लेक्ट करेंगे। तो ये डायलॉग हमारा किसके अंदर है, लेआउट के अंदर। तो हम यहाँ पे करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे यहाँ पे प्ले एक्टिविटी डॉट दिस, उसके बाद यहाँ पे डॉट करेंगे इन्फ्लेट, इन्फ्लेट कहाँ से करना है हमें, आर डॉट लेआउट और यहाँ पे करेक्ट डायलॉग, उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे जो रूट होगा वो नल कर देंगे। सो ये हमारा यहाँ पे व्यू क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमारे क्या है, करेक्ट डायलॉग का जो हमारे कस्टम व्यू बना रखा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, वो हमने क्या किया उसके अंदर पास कर दिया व्यू के अंदर। अब इस व्यू को हम क्या करेंगे, इस व्यू के थ्रू हम अपनी आईडी को गेट करेंगे। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे करेक्ट डायलॉग में, तो अभी हमें क्या करना है कि जो भी करेक्ट आंसर होगा वो उसको स्कोर के अंदर सेट कराना है और हमारे जो बटन है ओके बटन, इस ओके बटन पे हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस पे जंप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कोर पे जाएंगे और जो स्कोर है वो क्या है, टीवी व्यू, किस टाइप का व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू है
और इसका जो आईडी क्या नाम है, इसका आईडी का नेम है हमारे पास टीवी डायलॉग डॉट अंडरस्कोर स्कोर एंड बटन पे अगर हम देखेंगे तो ये करेक्ट ओके। तो इस आईडी को हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू लेंगे, टेक्स्ट व्यू टीवी स्कोर इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट क्या था हमारा टीवी डायलॉग स्कोर। सेम इज इट हम करेंगे बटन के लिए भी, बटन करेक्ट ओके बीटीएम इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट करेक्ट ओके। सो यहाँ पे हमने इसको बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग डायलॉग जो है डायलॉग उसको हम क्रिएट करते हैं। तो अलग डायलॉग इज इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट। सो यहाँ पे क्रिएट हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, जो बटन है बटन के ऊपर हम क्लिक इवेंट परफॉर्म करेंगे, जो हमारे यहाँ पे आप देखोगे ओके बटन है, ओके बटन पे हमें क्लिक इवेंट परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट ओके बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा टाइमर का इशू आ रहा था उस टाइमर को अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि जैसे ही हमारा ओके बटन पे क्लिक होता है तो हमारा जो टाइमर है वो रिस्टार्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट काउंटडाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अलर्ट डायलॉग जो होगा वो उसको कर देंगे डिसमिस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलर्ट डायलॉग डॉट सो या और यहाँ पे हमारा हो गया अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्रिएट। और स्कोर हमारा बचा है तो स्कोर में हम सेट करा देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे टीवी स्कोर डॉट सेट टेक्स और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर स्कोर कॉल लगाते हैं। उसके बाद प्लस जो स्कोर में क्या होगा हमारा करेक्ट, जो भी करेक्ट आएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट में सेट हो जाएगा। सजेशन को ऐड कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें सेम एज इट इज क्या करना है, सो इसको हम क्या करते हैं, यहां से पूरे को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये डायलॉग हो जाएगा हमारा सेम एज इट इज हमारा रॉन्ग के लिए। सो रॉन्ग के लिए हमें क्या करना है, बस हमें चेंज करना है यहाँ पे जो लेआउट जो इन्फ्लेट करेगा वो किसको करेगा, रॉन्ग वाले डायलॉग को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस चेंज कर देंगे रॉन्ग डायलॉग। और जो टीवी डायलॉग स्कोर है अगर हम इस पे जाते हैं रॉन्ग वाले डायलॉग में तो यहाँ पे जो है वो है टीवी रॉन्ग डायलॉग करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर जो आईडी थी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसमें जो ओके लिखा हुआ था रॉन्ग वाले डायलॉग में, इसकी आईडी जो है रॉन्ग ओके है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस कुछ चेंजेस कर रहे हैं हमको यहाँ पे, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास टीवी स्कोर है इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, रॉन्ग को भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पे, और टीवी डायलॉग इस करंट ऑप्शन इसको हम कर देंगे यहाँ पे, और जो हमारा रॉन्ग ओके बटन है इसको हम कर देंगे यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे हमने इसको क्या हो गया है, जो डायलॉग था हमारा उसको हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि जो व्यू हमने बनाया था इंप्लीट करने के लिए तो वो उसमें हमने क्या किया है, रॉन्ग वाले डायलॉग को कर दिया है। एंड उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू को चेंज कर दिया, टेक्स्ट व्यू जो था वो जो रॉन्ग वाले डायलॉग के अंदर होगा उसकी आईडी को देंगे, क्योंकि हमने रॉन्ग वाले डायलॉग इंप्लीट किया है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी आईडी को हम देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे हम रख देंगे करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में क्या होगा यहाँ पे आंसर, और आंसर के अंदर ही हमें क्वेश्चन इंडेक्स जो भी करेक्ट आंसर होगा वो हमारा इस वाले डायलॉग के अंदर यहाँ पे शो कर देगा। और सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा ये सेम वही वर्क करेगा, काउंटडाउन टाइमर रिस्टार्ट हो जाना चाहिए और उसके बाद हमारा ये फाइनल डायलॉग बॉक्स शो हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से कॉपी करते हैं, फिर से कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक और डायलॉग बना लेते हैं जो कि होगा हमारा टाइम ओवर के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू पे आ जाएंगे, इसमें
और यहाँ पे जो रॉन्ग डायलॉग है रॉन्ग डायलॉग की जगह पे हम कर देंगे टाइम ओवर डायलॉग, यानी कि हम इस वाले लेआउट को यहाँ से इन्फ्लेट कर दिया हमने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम ओवर वाले डायलॉग में जाते हो तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है इसके अंदर सेट कराने के लिए। ये सिंपल सा एक मैसेज होगा टाइम ओवर का, जो एक्शन होगा हम टाइम ओवर पे यहाँ पे स्पेस ओवर आएंगे टाइम ओवर ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले व्यूज को डिलीट कर देते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको, इसकी नीड नहीं है हमें इसमें, और यहाँ भी इसको भी हटा देंगे हम। और यहाँ पे जो होगा हमारा इसमें हम रखेंगे टाइम ओवर ओके, और इस पे हम यहाँ इसका और इसको रेफरेंस भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे जो लिसनर लगा हुआ है इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद सारा कुछ वही होगा, ये सेम इट इज ऐसा ही रहेगा। सो नाउ हमने क्या किया है, टाइम ओवर डायलॉग भी क्रिएट कर लिया और रॉन्ग अलर्ट डायलॉग भी क्रिएट कर लिया, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे करेक्ट अलर्ट डायलॉग भी क्रिएट कर लिया। सो अभी हम क्या करेंगे, अलर्ट डायलॉग को किस में हम रख देंगे, यहाँ पे हम रखेंगे करेक्ट अलर्ट डायलॉग, और यहाँ पे हम रख देंगे रॉन्ग अलर्ट डायलॉग, और इस वाले जो टोस्ट है इनको हटा देते हैं हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल वाई, वैसे हम इसको डिलीट कर दिए। अब बचा हमारा यहाँ पे टाइम ओवर अलर्ट डायलॉग, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, आपको रोना है यहाँ पे स्टार्ट काउंटडाउन टाइमर। तो स्टार्ट एंड काउंटडाउन टाइमर था, इसके अंदर आपने देखा था कि ऑन फिनिश नाम का एक मेथड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे टाइम ओवर अलर्ट डायलॉग को रख देंगे। सो अभी हम टेस्ट करके देखते हैं क्या हमारा डायलॉग सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे रन करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि किसी भी ऑप्शन को और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो अलर्ट डायलॉग है वो शो नहीं कर रहा है। सो अभी इसको चेक करते हैं कि ये डायलॉग क्यों नहीं शो कर रहा है इस पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं अलर्ट डायलॉग को। सो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि व्यू तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है बट व्यू को यहाँ पे सेट नहीं कराया है बिल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्डर के अंदर हम करेंगे सेट व्यू, और यहाँ पे क्या करेंगे व्यू को सेट करा देंगे सेम इट इज। इसको हमें क्या करना है, तीनों डायलॉग के अंदर रखना है। तो करेक्ट डायलॉग के अंदर हमारा ये सेट हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे रॉन्ग डायलॉग के अंदर आते हैं, ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और सेम इज इट इज हम यहाँ पे टाइम ओवर वाले डायलॉग में आते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। सो एप्लीकेशन रन हो गया है, हम यहाँ पे हम इसको लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे हम प्ले क्लिक करेंगे, और उसके बाद अब देखोगे हमारे पास स्कोर है 0-0, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, और टाइमर हमारे यहाँ पे चल रहा है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं, ऑप्शन सेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले शो करेगा प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया, तो अभी देखोगे आप यहाँ पे टाइमर भी जो हमारा वो कैंसिल हो गया, यानी वहीं पे स्टॉप हो गया, और स्कोर जो है वो ऐड हो चुका है इसके अंदर, और क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है, और स्कोर जो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है स्कोर हमारा कितना है। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टाइमर जो हमारा वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर भी अपडेट हो गया और ऑप्शंस भी हमारे अपडेट हो गए। जैसे मैं रॉन्ग ऑप्शन पे किसी भी क्लिक करता हूँ, तो देन उसके बाद यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास रॉन्ग डायलॉग ओपन होगा, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर में हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है उसका यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो हमारा है, यानी कि हमारा जो करेंट आंसर है वो इसके अंदर शो कर रहा है। सेम इज इट इज अगर हम यहाँ पे रॉन्ग करते हैं फिर से शो करेगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्कोर 2 हो गया और यहाँ पे ओके। सो अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं और टाइमर यहाँ पे अप हो जाता है, तो देन उसके बाद आप चेक करोगे कि हमारे पास टाइम अप का जो डायलॉग है वो शो होना चाहिए। यहाँ पे टाइमर पे हम कलर भी चेंज करा सकते हैं कि जैसे ये 10 सेकंड से नीचे होता है, जैसे कि 9, 8, 7, तो यहाँ से जो कलर है इसका वो रेड हो जाना चाहिए, जिससे कि एक आइडिया मिल जाए कि हाँ टाइम अप होने वाला है, वो चीज भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो उसको भी हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। नाउ यू कैन सी द टाइम ओवर डायलॉग इज ओपन। सो अब हम किस पे क्लिक करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा प्ले एक्टिविटी का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम ये कलर का जो था जो टाइमर के ऊपर जो कलर की बात कर रहे थे अभी, हम इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो उसको को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको आ जाना है यहाँ पे स्टार्ट काउंटडाउन टाइमर मेथड में,
और इस मेथड में हम क्या लगाएंगे कि जो हमारा ये टाइमर है, इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ में हम करेंगे यहाँ पे टाइम मिली सेकेंड, अगर यहाँ पे लेस देन होता है 10 के तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्विज टाइमर डॉट सेट टेक्स कलर कलर डॉट रेड, रेड हो जाना चाहिए। देन उसके बाद हमारा एल्स वाले कंडीशन में क्या रहेगा, एल्स वाली कंडीशन में हम लेते हैं कलर सेट कलर स्टेट लिस्ट कलर स्टेट लिस्ट, यहां पर हम रखेंगे कलर स्टेट लिस्ट डॉट क्विज इज इक्वल टू क्विज टाइमर डॉट गेट टेक्स कलर। सो ये चीज हमने ले लिया और इसको अंदर हम इसमें पास कर देंगे इसको। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 है तो यहाँ पे हम 10 सेकंड के हिसाब से रखेंगे, तो यहाँ पे 10,000 कर देना आपको। सो अब इसको हम रन करके चेक करते हैं, इसमें रन करेंगे। सो ये रन हो गया, अब इसको ओपन करते हैं। सो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टाइमर है वो रेड हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स चेक। सो अभी आप देखोगे कि टाइमर जो है वहां पे जैसे ही 10 सेकंड से डाउन होता है तो वहां पे हमारे पास जो कलर है वो टेक्स्ट का वो चेंज हो गया। सो ये चीज भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे। रिजल्ट स्क्रीन में हम देखेंगे कैसे स्कोर, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर एंड स्किप क्वेश्चन है उनको कैसे हम रिजल्ट स्क्रीन में शो करा सकते हैं, एंड ये जो हमारा इमोजी है इसका रिएक्शन चेंज करना देखेंगे। सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।